हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इनविटेशंस, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और लोकल एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं इनविटेशन से रिलेटेड, वो आपको करवाएंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर हो रही है, हाउ टू राइट इन्विटेशन लेटर्स पहली चीज़, इनविटेशन लेटर्स के फॉर्मेट क्या होते हैं, सैम्पल उसका एक एग्ज़ाम्पल के साथ में फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशंस दोनों देखेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन इनविटेशन लेटर, एंड सेकंड थिंग विल बी कवर इन दिस वीडियो विच इज़ इनविटेशन लेटर एंड रिप्लाइज ऑफ राइटिंग। इनविटेशन लेटर फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाइज, इनफॉर्मल रिप्लाइज एंड इन्विटेशन लेटर एग्जाम्पल। सो नाउ विद द डेफिनेशन आई विल बिगिन। वॉट इज़ एन इन्विटेशन लेटर? इन्विटेशन लेटर, एन इन्विटेशन लेटर इज रिटन और वर्बल रिक्वेस्ट इन्वाइटिंग समवन टू गो समवेयर और डू समथिंग। एन इन्विटेशन इज अ रिक्वेस्ट, सोलिसिटेशन और एन अटेम्प्ट टू गेट अनदर पर्सन टू जॉइन यू, अ स्पेसिफिक इवेंट व्हेन यू आस्क द पीपल टू अटेंड अ पार्टी, विजिट योर बेंच हाउस, विटनेस योर मैरिज, यू इनवाइट देम बाय गिविंग देम एन इनविटेशन। आप उन सबको बुलाते हैं एक छोटा सा इनविटेशन देकर। इट कैन बी, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है इनविटेशन? इनविटेशन कार्ड देकर यूज़ किया जा सकता है, जनरली कंसिडर्ड एज अ फॉर्मल इनविटेशन। तो ये फॉर्मल इनविटेशन देकर इसको कंसिडर किया जाता है। अब आपने देखा होगा शादी की पत्रिका होती है, तो वो भी एक तरह से इनविटेशन लेटर ही होता है। उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और वो सेंड किया जाता है। कुछ स्कूल्स में भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है इनविटेशन लेटर को। जैसा सपोज़ आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका किस तरह से आपको इनविटेशन ड्राफ्ट करना है वो इसमें आ सकता है। तो फॉर्मेट है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेगा, फॉर्मल फॉर्मेट है, इनफॉर्मल नहीं है। नेम ऑफ द होस्ट, दूसरा पॉइंट है इसमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट करना है आपको उसमें, क्योंकि किसी को निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर के सेंटेंस नहीं चलेंगे, रिक्वेस्ट के सेंटेंस उसमें यूज़ करने हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सॉलिसिट ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस, उपस्थिति किस प्रकार से अतुल्य है उनकी। पर्पज़ ऑफ इन्विटेशंस, इन्विटेशन का पर्पज़ क्या है, क्यों बुलाया गया है। नेम ऑफ द ऑनरी, जो ऑनर करने वाले हैं उनका नाम। डे, डेट, टाइम ऑफ द इवेंट, डेट मस्ट बी रिटन इन लेटर्स, यू शुड नॉट यूज़ एब्रीविएशन, यूज़ नहीं करना चाहिए। नेम ऑफ द प्लेस, सबसे पहले स्थान का नाम, लोकेशन जगह का नाम, विद अ कंप्लीट एड्रेस, पूरा एड्रेस। इंटर द एड्रेस, द वेन्यू ऑफ द पार्टी और इवेंट, एड्रेस जहाँ पर पार्टी आयोजित की जा रही है, जहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और इवेंट। पॉइंट नंबर सेवन्थ इसमें आता है RSVP, रिस्पॉन्ड इफ प्लीज यू, अगर आप पधार रहे हैं तो ज़रूर इसको आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, यदि आप आ रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। ये एक विदेशी भाषा का फ्रेज है, फ्रेंच लैंग्वेज का, आपको इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए RSVP में अगर आप पधार रहे हैं तो इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिए। इंडिया में ऐसा रूल नहीं है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में जो है रिप्लाई किया जाता है इन्विटेशन का, कि जिसको आपने इन्विटेशन दिया वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वेयर यू नीड टू नो एग्जैक्टली हु विल कम, जहाँ से ये पता लग जाए कि कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है, ताकि उस हिसाब से वो व्यवस्था देख सके। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कोई रिलेवेंट डिटेल। नेम ऑफ होस्ट, जो प्रोग्राम को आयोजित करवाने वाले हैं उनका नाम। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में आएगा पर्पज़ ऑफ इन्विटेशन,
नेम ऑफ ऑनरी डे डेट ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अब आप सीधा आइए इसके एक एग्जांपल पर, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू आर फैज़ और फलक मजूमदार लिविंग एट उधमपुर कॉलोनी शिमला, यू डिसाइडेड टू होल्ड अ डिनर पार्टी टू कॉन्ग्रेचुलेट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन देयर गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑल फैमिली मेम्बर्स टू अटेंड अ ग्रैंड डिनर एट होम। तो ये 4 मार्क्स में आता है, 2018 में पूछा गया है। तो फैज़ और फलक मजूमदार रिक्वेस्ट, क्योंकि दो है तो रिक्वेस्ट में एस नहीं लगेगा, द प्लेजर ऑफ योर बिगनिंग प्रेजेंस एट ग्रैंड डिनर ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स एट हिज रेसिडेंस, और ये एड्रेस इसमें नीचे दिया हुआ है, उधमपुर कॉलोनी शिमला, 8:30 बजे शाम को, 18 मार्च 2021 भी लिख सकते हैं। RSVP मतलब अगर आप आ रहे हैं या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो इस नंबर पर आप बता सकते हैं, इस एड्रेस पे बता सकते हैं। ये हमारा फॉर्मल इनविटेशन था, आगे इनफॉर्मल इनविटेशन का भी आपको वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।